हे दोस्तों, अभी बहुत ही जल्दी मोटोरोला की तरफ से और एक नया स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक जैसे कुछ दिनों पहले मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस देखने को मिला था, जो एक वैल्यू फॉर मनी फोन है, ठीक उसी तरह से आपको इस बार मोटोरोला एज लाइट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगा। तो इसके कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा या फिर एमोलेड डिस्प्ले देखने को जाएगा। और उसी के साथ यहां पर आपको डुअल पंच होल देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, यानी कि यहां पर आपको डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में यहां पर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये एक 5G फोन होने वाला है, जो एक मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और जहां तक हमें लगता है कि शायद ये इंडिया के अंदर इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च नहीं होगा, मतलब कि यहां पर 4G प्रोसेसर मिलने का ही ज्यादा चांस है इंडिया के अंदर। और इस तरफ इसके कैमरे के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पीछे 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, सेकंड में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलेगा, थर्ड में आपको 8 मेगापिक्सल का डेप्थ और फोर्थ में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा और सेकंड में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको डुअल पंच होल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये असल में मोटोरोला एज प्लस का एक लाइटर वेरिएंट है, यानी कि मोटोरोला एज लाइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता पाए तो आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा और मोटोरोला एज प्लस में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ वहां पर आपको बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ उसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वो फोन अभी आपको 75,000 में देखने को मिल जाता है। और ये जो लाइटर वेरिएंट आने वाला है, यानी कि मोटोरोला एज लाइट, इसका प्राइस आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। तो इसके प्राइस के बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4800 mAh का बिग बैटरी मिलेगा, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला एज लाइट, ये फोन आपको इंडिया में 25 से 30 हजार के आसपास देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ही कम प्राइस में ये फोन लॉन्च होगा और साथ में पावर पैक फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मोटोरोला जैसे एक अच्छा ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा और साथ में जो फीचर्स है वो भी बहुत ही अच्छा और प्रीमियम देखने को मिल जाएगा इस फोन में। तो देखते हैं कि ये फोन ऑफिशियली किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। और लॉन्च डेट की बात करें तो शायद ये फोन आपको जुलाई महीने में, यानी कि आने वाले महीने में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए? आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।